मरियम, मेरी सारी नेकियां, मेरी सारी दुआएं मेरे काम नहीं आ रही। मरियम, तुम साया साबित हुई, जो साथ तो रहता है लेकिन सिर्फ रोशनी तक, अंधेरा होते ही साथ छोड़ जाता है। ना कोई रंग है ना कोई नूर है, मंजिले है रास्ता दूर है, दूर क्यों हमसे जिंदगी ले बजा, सुन ले मेरे रब्बा तू मेरी इल्तिजा। नूरे खुदा नूरे खुदा नजर कदम काश हो फिर अता, नूरे खुदा नजर कदम काश हो फिर अता, नूरे खुदा बेटा। ऐसी कौन सी आफत आ गई है ज्वाइनिंग देने की? तुम तो जानते हो तुम्हें इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है। तो समझने वाली क्या बात है, बल्कि आपका बेटा नई जिंदगी नई जॉब शुरू कर रहा है, उसे दुआएं दे। पूरे 5 साल तुम्हारा इंतजार किया है, जब तुम जर्मनी में 7 समंदर पार थे ना तो दिल को सुकून था कि जब आओगे तो साथ रहोगे, और तुम आते ही जाने की बात कर रहे हो। अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं है। बेटा मेरा नहीं तो कम से कम अपने चाचा का ही ख्याल कर लो। ये भी मैं उनकी मर्जी से कर रहा हूँ, एक प्रॉमिस उन्होंने मुझसे लिया था और एक प्रॉमिस मैंने उनसे लिया था। तुम चाचा भतीजे की पहेलियां मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। अच्छा ये सामान करीम चाचा से कह के गाड़ी में रखवा दे, मैं 5 से 10 मिनट में निकलूंगा। ये तो मैं रखवा दूंगी, कम से कम अपनी माँ को इतना तो बता दो कि जा कहाँ रहे हो। वो भी आप चाचा जान से पूछ लेगा, वो आपको बता देंगे। और कोई मैं इतना दूर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे के फासले पे हूँ, और मैं संडे को आया करूंगा ना आपके पास आपसे मिलने। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम नाश्ता करके तो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ, आ जाओ। मुझे खाली पेट नहीं जाने देंगी, है ना? चले आप चाहे मैं आ रहा। तुम्हारा नाश्ता बेटा। ये क्या बाबा, आपको कितनी बार मना किया, नाश्ता नहीं बनाया करे मेरे लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है चलो आओ नाश्ता करो। बैठो। बाबा मैं आपसे बहुत खफा हूँ। क्यों बेटा? आपको तो पता है मैं अपना नाश्ता खुद बना लेती हूँ, फिर भी आप मेरी नाश्ता बना देते हैं। बेटा सालगिरह मुबारक हो, मौला तुझे हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे, दुनिया की हर नेमत तेरा मुकद्दर बन जाए। बाबा आप कभी मेरी सालगिरह नहीं भूलते ना। बेटा ये दिन भी कोई भूलने वाला है? आज ही के दिन तो तुम हमें मिली थी। मिली थी क्या मतलब बाबा? मिली थी आप ये कहना चाह रहे होंगे ना कि अल्लाह पाक ने अता किया था मुझे
मेरा यही मतलब था बेटा। अच्छा भाई जल्दी करो, स्कूल को देर हो रही है। बाबा आप भी ना हमेशा मुझे बच्चों की तरह समझते हैं। आपकी बेटी स्कूल पढ़ने नहीं जाती, पढ़ाने जाती है। टीचर है आपकी बेटी, टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। बाबा ये सब आपकी दुआओं की वजह से और अम्मा की मेहनत की वजह से हुआ कि आज मैं इस मकाम पे हूँ। कितनी समझदार हुई है मेरी बेटी। अच्छा आपको पता है आज स्कूल से वापस आकर ना मैं आपके लिए कुछ बहुत मजेदार खाना बनाऊंगी। चल भाई जैसी तेरी खुशी, बस जल्दी से नाश्ता कर ले वरना प्रिंसिपल साहब का फोन आएगा, वो नाराज होंगे। शाबाश। रोजाना बगैर कुछ खाए पिए जाती है मेरी बेटी। चल ठीक है। इस घर में तो सभी का हाल बुरा है, आखिर किस किस को सुधारूं मैं? अरे भाभी बेगम, ये महारत तो शायद किसी मैकेनिकल इंजीनियर में हो, घरेलू खवातीन में नहीं मिलती। हर बात को मजाक में नहीं टाला जा सकता। लेकिन हर बात को दिल पे लेना, उसे रोग बना लेना भी तो गलत। हर इंसान ही अपनी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई रोग लिए बैठा है। वैसे एक बात बताऊं, ये आपकी नरमी का ही नतीजा है कि जलाल अपनी मनमानी करता है। भाभी बेगम कर लेने दे उसे, यही तो दिन है। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती, किसके दिल में ये नौकरी की कहां से समा गई और फिर आपने इजाजत ही क्यों दी उसको? मैंने कभी इजाजत दी है? वो तो कहता है चाचा जान को सब पता है। वाह भतीजे वाह, फिर फंसा दिया। क्या वादा किया था आपने उससे? अरे भूल गई आप, वो जर्मनी बिजनेस डिग्री लेने इसीलिए गया था कि बाद में हम उसे ब्रिल कोर्स करवाएंगे। इन दोनों डिग्रियों का आपस में क्या ताल्लुक है? भाभी मुझे आपके जज्बात का अंदाजा है, लेकिन लेकिन तुम्हें मेरी तबीयत का तो पता ही है। मेरा दिल दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है, खुदा ना खास्ता कभी बंद हो गया तो। मैं चाहती हूं जलाल मेरे पास हो, मेरा इकलौता तो बेटा है वो। आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। लेकिन है तो ये हकीकत ही ना। मैं अपनी तबीयत को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे लगता है कि जलाल सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाए। फिर मुझे कुछ हो भी गया ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा, बेफिक्री से मर सकूंगी मैं। दरअसल भाभी हम सब की यह हालत मिशेल की वजह से है। जलाल तो उस टाइम बहुत छोटा था, कैसे भूल सकता है वो? लेकिन नौकरी ही क्यों? वो इसलिए भाभी के वो काम समझ ले, फिर आगे उसने अपना स्कूल खोलना। खैर छोड़िए इन सब बातों को, मैं तो आपको ये बताने आई थी कि मरियम की ईसा अलैह सवाब के लिए मैंने खैरात ज़कात कर दी है। भाभी मैं आपके नेकियों का, आपके एहसानात का बार उठाए नहीं उठा सकता। इसीलिए आपका लाडला भतीजा उनका बोझ दरिया में बहा देता है। Ah!
मरियम, तुम्हारी जुदाई का सोचता हूं तो खुदा की मर्जी समझकर सह जाता हूं, लेकिन जब मिशेल की जुदाई का सोचता हूं तो कांप जाता हूं। न जाने मेरी बच्ची किस हालत में होगी, कहां होगी। यार फ्लैट की चाबी देना यार। अबे आप किसको लेके जा रहे हैं? अबे एक ही तो है आजकल इसकी नई एटीएम मशीन। यो तमीज से बात कर, तुम लोग की होने वाली भाभी है यार। अबे तेरे बारे में सब जानते हैं, तू किसी एक का हो ही नहीं सकता। वैसे यार मैं तो ये सोचता हूँ अगर उसे पता लग गया कि ये ऐसी फटीचर जगह पर रहता है तो क्या मुंह लगाएगी वो। बेटे तेरे भाई ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, समझा? एक बार मेरी फैमिली वापस आने दे तू, फिर तेरे सारे भरम खत्म, मेरे फ्लैट की चाबी वापस। जानी इससे पहले किसी चीज की टेंशन लिए जो अब लेगा तेरा भाई। अबे यार जिसके पास एटीएम कार्ड हो विद बैंक बैलेंस उसको किस बात की टेंशन। अबे चल चाय पिला मुझे। शाबाश। हाँ पिलाता हूँ भी चाय। ये होने वाली भाभी को एटीएम कार्ड बोलो, चाय भी मैं पिलाऊं। चल भाई चाय मांगा। अबे मेरी 1000cc बाइक भी यूज कर, मेरे फ्लैट में भी रहे, चाय भी मैं पिलाऊं। क्या हो गया यार? वेटर ताने दोगे तुम। माइन तुम्हें पता है ना तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मामा मैं सही बताने पर मामा से बात करती हूँ, डोंट वरी। अच्छा और तुम्हारे डैड उनका क्या? तू ही करते हैं जो मामा कहते हैं। नहीं तुम सिचुएशन समझ नहीं रही, तुम्हारी मामा मुझे शदीद नापसंद करते। कौन? मामा। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी गलत फैसलों में गुजार दी, उनकी सुनता कौन है? तुम फिक्र मत करो मैं बात करती हूँ, आज ही बात करती हूँ। देख लो माई मेरे फ्यूचर का सवाल है। What? तुम्हारा फ्यूचर मतलब? मेरा मतलब है हमारा फ्यूचर जान, मैं अपने फ्यूचर की बात, मतलब मेरा फ्यूचर तो तुम्हारे साथ है। बात करेंगे मामा से। चले चले आराम से। बस बहुत हो गया, अब नहीं पी रहा। अरे पीने दो बस। सिगरेट ही दे दो। कोई सिगरेट नहीं पी रहा, आराम करो। Excuse me. जी क्या आप मुझे बता सकती हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? प्रिंसिपल का ऑफिस आप स्ट्रेट जाएं, देन टेक अ लेफ्ट, इट्स द सेकंड रूम ऑन राइट। सेकंड रूम राइट पे। जी जी थैंक यू। Yeah.
माहीन, अरे तुम आ गई, मैं बस खाना ही लगा रही थी। मेरी मामा का मामा जी बोलिए, और प्लीज जल्दी बोलिए। अरे बेटा, मेरी दो दिन से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो सोचा खैरियत मालूम कर लूं। सीरियसली आपने ये बात करने के लिए मुझे रोका? नहीं माहीन, इस तरह तुम्हें बात करना जेब नहीं देता। मैं तुम्हारी बड़ी हूँ और बड़ों से बेटा इस तरह बात नहीं करते। देखिए प्लीज, मेरा लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं, और ये सारी नसीहत है ना, आप अपने बेटे के लिए बचा कर रखें, ठीक है? आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठी हुई हैं। मेरा बच्चा, बताओ क्या हुआ? मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, वो आपकी नफीस, I mean, what's wrong with her? अच्छा बेटा relax, मुझे बताओ क्या कहा उन्होंने, मैं भी पूछती हूँ। रहने दे, कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे ना आपसे अपने और उबैद के बारे में बात करनी थी। मुझे इस टॉपिक पर तुमसे बात ही नहीं करनी। प्लीज मेरी बात तो सुन। नहीं करनी मुझे बात। क्या तुमने उबैद की रट लगा ली है? उबैद की खुद की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तुम्हें क्या खुशियां खाक देगा? मतलब निकल जाने पर कभी पलट कर भी नहीं देखेगा। नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें ये गलती। तो फिर याद रखिए, मैं भी आपकी ही बेटी हूं। ये आपका। सबको पेपर्स मिल गए? यस। ठीक है तो हम स्टार्ट। मिस इज्जत, आपको बड़े सर बुला रहे हैं। जी मैं आती हूँ। अच्छा, हम लोग का आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। मिस इज्जत, आपको बड़े सर फौरन बुला रहे हैं। ठीक है, आप उनसे कहिए मैं भी आती हूँ। जी बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या जरिए होते हैं? सबसे पहले हमारी जबान। बड़ी खुशी की बात है मिस्टर जलाल कि आप जैसे हाईली क्वालिफाइड टीचर हमारे इलाके में आए, खुसूसन हमारे स्कूल में जो आए यहाँ पढ़ाने के लिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप जानते हैं मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी, मैं यही करना चाहता था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो आप चाहते थे वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो गई। काफी देर हो गई उनको बुलाए हुए, कहाँ रह गई वो? सर मैंने बता दिया था अभी आती होगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपसे किसने कहा उठने के लिए? बैठिए आप। जी आई एम सॉरी सर, मैं लेट हो गई, वो एक्चुअली मैं क्लास में थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। ओके, आज तो हो गया, बट नेक्स्ट टाइम Be very careful. जब भी मेरा मैसेज मिले सारे काम छोड़ दीजिएगा। जी सर। हाँ, क्या कुछ देर हमारे साथ बैठना पसंद करेंगी आप? मिस इज्जत, एक बार और मिलके आपसे खुश हुई इज्जत।
आप ऑफिस मिल गया था आपको? Really? Sounds very good. इसलिए कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जी आपके ऑफिस का रास्ता इन्होंने गाइड किया था. मिस इज़्ज़त, ये है मिस्टर जलाल, बहुत ही क्वालिफाइड टीचर है ना? जी सर. सर कैन आई गो बैक? बच्चे वेट कर रहे हैं क्लास में. क्लास कोई और टीचर अटेंड कर लेगा. तो तुम्हें लगता है कि एक जाहिल औरत की तरह मैं घर में बैठकर तुम्हारा पूरा वक्त इंतजार करूंगी कि कब मेरे सरताज आएंगे और मैं उनकी खिदमत में खाना पेश करूं. अरे तो इसमें हर्जी क्या है? वही ऐसा ही होता आया है और ऐसे ही होना चाहिए. सीरियसली? अरे अरे बेब्स, क्या कर रही हो? तुम्हारी मॉम ने सुन लिया ना, जान से मार देंगी. वो तो हमारा बाहर मिलना बर्दाश्त नहीं करती. मैं तुम्हारे घर में हूँ स्टूपिड. कम ऑन, मामा भी सारी जिंदगी बाबा से झूठ बोलती आई हैं और ना जाने क्या क्या करती रहेंगी अपनी मर्जी से. और अब वो चाहती हैं कि मैं एक मशरी की लड़की बनकर उनकी मर्जी के लड़के से शादी करूं. इम्पॉसिबल. सिगरेट. दरवाजे को नॉक करना होता है, आपको नहीं पता? मैं समझी कि क्या समझी थी आप? मैं समझी कि सलीना अंदर है. आइंदा दरवाजा नॉक कर कर आइएगा. थैंक यू. कभी कभी तो तुम मुझे भी अपने गुस्से से डरा देती हो. मशरी की लड़की? नहीं. क्या कर रही हो बेबी? महंगी सिगरेट. कैसा ख्वाब है? हर बार वही मंजर. कौन है वो बच्चे? ये सब क्या है? हर बार मुझे यही ख्वाब क्यों आता है? या अल्लाह, तू तो जानता है मैं देख नहीं सकती. फिर ये सब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा. बाबा को भी नहीं बता सकती, वो तो मेरे लिए परेशान हो जाएंगे. यार अल्लाह.
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बच्ची, उसका गिरना। यस या ओके 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 ओ हेल बहुत लेट हो गया यार। अक्सर लोग मुझे ऐसे ही देखते हैं जैसे उनकी भी बिनाई में कुछ कमी है। अरे नहीं नहीं मैं तो बस जी जी अब आप यही कहेंगे ना कि देखने में मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल लगती हूँ। नहीं आप गलत समझ रही हैं। मुझे कोई गलत फहमी नहीं होगी। इज्जत क्या मेरी कोई बात बुरी लग गई आपको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस वैसे ही। तो फिर क्या ये किसी और का गुस्सा है? काफी समझदार लगते हैं आप। वैसे नाबीना होने का एक फायदा तो जरूर है, इंसान बुरे मनाजिर से बच जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरी क्लास का वक्त हो रहा है मुझे देर हो रही है मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हो बेटा? खैरियत से तो पहुंच गए ना? जी पहुंच गया। आपकी तबीयत कैसी है? जैसा तुम छोड़कर गए थे ना बिल्कुल वैसी ही हूँ। अम्मी मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है, दवाइयाँ ले रही है ना आप? हाँ हाँ टाइम पर ले लूंगी। तुम ये बताओ तुम्हें वहाँ कोई मसला तो नहीं? नहीं अम्मी। अच्छा मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, बाद में बात करता हूँ। अच्छा जाते ही मसरूफ हो गए। मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा जर्मनी से आएगा तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मैं तो सोच रही थी तुम आकर अपने कारोबार को देखोगे लेकिन तुम्हें तो नए नए शौक चढ़ रहे हैं। अम्मी पास में भी मेरे को ही है, बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। उम्र गुजर गई है मगर मजाल है जो ये आदमी झुका हो, वही अकड़ वही तकब्बुर। ना बीवी की मौत इसे तोड़ सकी और ना बेटे की जुदाई। देखिए मिस हम जानते हैं कि हमारा बेटा ब्लाइंड है। यू मीन टू से पार्शियली ब्लाइंड? जी जी मेरा मतलब है कि एक उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान की तरफ से नॉर्मल लाए सही एक ब्लाइंड क्रिकेट ही खेल ले मगर ना जाने क्या वो ना जाने क्या क्या से क्या मकसद है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अली ब्लाइंड है तो ये उसकी गलती है या आप क्रिकेटर नहीं बन पाए ये भी उसी का कसूर है? देखिए मिस इज्जत देखिए मैं तो देख नहीं सकती लेकिन मुझे पता है कि आप जरूर देख सकते हैं। इसलिए अपनी आंखें खोलें और गौर से अपने बच्चे के हुनर को देखें। अली को गाना गाने का शौक है और वो बहुत अच्छा गाता है। He's really good at it. एक दिन आप दोनों को उस पर जरूर फख्र होगा। मैं आपको किस हद तक समझा सकती हूँ
आखिर आप ही अली के वालिदैन हैं। मेरी बात से अभी भी मुतमईन नहीं है तो प्रिंसिपल से जाके मिल लें, वो अपने रूम में। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। देखा मिस्टर जलाल, आपने ये है यहाँ के सो कॉल्ड पढ़े लिखे पेरेंट्स। मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मैं नाबीना हूँ। इन लोगों के चेहरे नहीं देख सकती। इन लोगों के पास बिनाई तो है लेकिन फिर भी अपने बच्चे के हुनर को नहीं पहचान सकती। सुनो, अब मैंने सुना है कल तुम ऑफिस नहीं आए थे, खैरियत? सर मेरे बेटे की तबीयत खराब। हो क्या हुआ था? सांप बन गई है ना, सीढ़ियों से गिर गई। ये रखो, और इसके अलावा भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, लेकिन इस बात का जिक्र किसी से मत करना।